कॉर्डलेस ड्रिल परचेज कर ली है और मैं इसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। ये एक डिप्स प्रो की तरफ से आने वाली 12 वोल्ट की ड्रिल मशीन है और इसका वोल्टेज है, मतलब इसकी बैटरी की कैपेसिटी 1.5 AH है और इसमें दो बैटरी मुझे मिली है। इसमें 10 mm का ड्रिल चेक है और इसका RPM 1000 RPM तक है। तो चलो इसको हम पहले अनबॉक्स करते हैं। इसको अनबॉक्स करने के बाद हमें एक ये मैनुअल गाइड मिलता है, पे कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस लिखी नहीं है, इसमें सिर्फ टूल्स को दिखाया गया है। इसको रखते हैं साइड में, हम लोग अपनी जैसे रुपये करते हैं। इसके साथ एक अच्छा सा केस भी आता है, हैंडलिंग केस जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद हम इसको अनबॉक्स करते हैं इस तरह से। सो गाइस, ये रही हमारी ड्रिल मशीन, आपको दिखाता हूँ। ये रही हमारी ड्रिल मशीन, तो ये एक 12 वोल्ट की ड्रिल मशीन है। तो ज़्यादा मैं इसको आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि इसमें कौन सी किस 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 काम में आती है। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये मोड है, ये स्क्रू के लिए यूज़ होता है बेसिकली। तो ये आप जितना कम पे लगाएंगे तो उतनी जल्दी ये देखिए, ये अभी इतने पे ही कट ऑफ हो रहा है और इसको जितना बढ़ाते जाएंगे वो और ज़्यादा होगे कट ऑफ होने लगेगा। अगर फुल पे कर देंगे तो ये जल्दी रुकेगा, ये अपने मैक्स पावर पे चला गया। और ये जो पीछे करने पे इस पे स्पीड बढ़ती है और आगे करने पे स्पीड बढ़ जाती है, और इधर करेंगे तो इसमें टॉर्क बढ़ जाता है। इसके साथ एक और बैटरी आती है, इसमें बैटरी लेवल इंडिकेटर भी दिया गया है इधर, और इसमें लेफ्ट राइट के लिए भी इसको यूज़ करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके साथ एक चार्जर भी दिया गया है, ये चार्जिंग के लिए है, बैटरियों के लिए, और ये मैंने अलग से परचेज किया था। चलिए इसको साइड रखते हैं, हम इसकी टेस्टिंग देखते हैं ये कैसे कैसे ड्रिल करता है किस किस चीज़ों में। मैंने इसमें तीन चीज़ें ले ली हैं, एक मेटल सीट है और एक प्लाईवुड है और तीसरी पीवीसी सीट है। तो इसको हम पहले ड्रिल करते हैं, इसमें हम पहले ड्रिल बिट लगा लेते हैं। इसमें मैं एक ड्रिल बिट लगाता हूँ, मैंने इसमें ड्रिल बिट लगा ली है। सबसे पहले हम प्लाई पे चेक करते हैं, तो मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ। अभी देखिए ये टॉर्क इसमें ज़्यादा है, अब इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ। देखिए इसने बहुत आराम से कर दिया, इसने बहुत आराम से कर दिया। अब हम पीवीसी पे ट्राई करते हैं, इसने पीवीसी पे भी आराम से कर दिया। अब हम लोग इसको मेटल पे ट्राई करते हैं, इसने मेटल पे भी आराम से कर दिया जैसे कि आप देख रहे हैं, इसने मेटल पे भी आराम से होल्ड कर दिया। अब हम इस पे स्क्रू टाइट करके देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। इसमें मैं स्क्रू वाली बिट लगा लेता हूँ, स्क्रू पे लगा लिया, और मैं इसको कम पे कर देता हूँ सबसे, इसको 1 पे मैंने कर दिया है। अब हम स्क्रू टाइट करते हैं, देखते हैं। इसने आराम से टाइट कर दिया, अब मैं इसको बैक करता हूँ, देखिए इसने अच्छे से कर दिया। तो आप मुझे बताइएगा ये ड्रिल कैसा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।